Hello everyone, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. Diwali ke baad literally ab main koi Indian haul bana rahi hu and I'm so excited. Aap dekh sakte ho mere chehre se main kafi khush lag rahi hu because mujhe Indian pasand hai aur maine bahut time baad Indian ki shopping kari hai to kafi excited feel ho raha hai. Aaj main dikhane wali hu Amazon se some really breathable summer friendly cotton kurtas, kurta sets hain, kurtas hai. Dress ki taraf bhi aap inko pehen sakte ho. Maine alag alag type ke kurtas hai na pick karne ki koshish kari hai jo aap office mein pehen sakte ho, kisi ki pooja mein pehen sakte ho, kisi ke wedding function पहन सकते हो, किसी इवेंट गेट टुगेदर से पहन सकते हो. तो इस वीडियो में आपको सारी टाइप की वैरायटी देखने को मिल जाएगी. प्लस ऑब्वियसली मैं रिव्यू भी दूंगी कि इनका फिट कैसा आ रहा है मेरे ऊपर, मेरी हाइट साइज के हिसाब से साइज चार्ट कैसा है, ब्रांड क्वालिटी कैसे ऑफर कर रही है. आपको फर्स्ट एक इंप्रेशन रिव्यू भी देखने को मिल जाएगा. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. उससे पहले आपको पता है आपको मेरी फैमिली का पार्ट बनना है, सब्सक्राइब बटन पर हिट करेंगे, बेल आइकन पर हिट करेंगे एंड नाउ लेट्स गो. स्टार्टिंग विद कुर्ता सेट नंबर वन जो काफी वायरल है, अगर आप मार्केट में भी जाओगे ना आपको ये प्रिंट दिखाई देगा ही देगा. मैं रिसेंटली लाजपत नगर गई थी और भरे हुए थे, मतलब वहाँ पे यही प्रिंट वाले कुर्ताज एकदम भरे हुए थे. एंड आई लव द फैक्ट मुझे मार्केट के रेट पे अमेजोन से मिल गया, मतलब बिल्कुल भी फर्क नहीं है. इनफैक्ट लाजपत नगर में मुझे 1300-1400 में ना ऐसा कुर्ता और उसके साथ पैंट्स मिल रही थी, दुपट्टा नहीं था. और मुझे 1700 के अराउंड मुझे दुपट्टा भी मिल गया. सो इट्स लाइक अ प्रॉपर सेट. मैं प्राइजेस यहाँ मेंशन नहीं करूंगी बिकॉज अमेजोन के प्राइस ना चेंज होते रहते हैं. नीचे आपको एक माय हॉल स्टोर का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना आपको सारे अपडेटेड प्राइस जो आजकल चल रहे हैं ना अमेजोन के वो दिख जाएंगे. प्लस आप क्लिक करके शॉप भी कर सकते हो. सो ये बेसिकली क्या है, ये अनारकली कुर्ता है जो दिखता है कुछ इस तरह से. बाय द वे मेरी जो हाइट है वो है 5'1". मैं आपको आइडिया दे देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि मेरी हाइट के हिसाब से कपड़े कैसे आ रहे हैं. 5'1" या 5'2" के अराउंड छोटी सी मेरी हाइट है. तो ये लिटरली अनारकली मुझे नीचे तक आ रहा है, खाली इतनी सी जो इसकी पैंट्स है वो विजिबल है. तो मैं इसको एज अ ड्रेस भी पहन सकती हूँ बिकॉज आजकल बहुत फैशन है, आप इसे अनारकली कुर्ता को ना एज अ ड्रेस भी पहन सकते हो. तो इसके फ्रंट में काफी अच्छी यहाँ पे डिटेलिंग दी हुई है, लाइक टाइनी टाइनी जो गोटा पट्टी का काम होता है ना ऐसा कुछ दिया हुआ है. स्लीव पर भी आपको ऐसा वाला ही काम मिल जाता है और दोनों साइड आपको ऐसे टैसल्स मिलते हैं जिसमें सेम ऐसे प्रिंट का ही इन्होंने नीचे दिया हुआ है. सो दोनों साइड जो टैसल मिलते हैं ना वो हमें लगता है देख के कि ड्रॉ स्ट्रिंग होगा, मतलब आप यहाँ से खींचोगे तो ये टाइट हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. आप इस वीडियो में देख सकते हो मैंने दोनों साइड को लेके पीछे टाई अप कर दिया था ताकि फिट आ जाए. बाय द वे इसमें जिप भी दी हुई है, लेकिन जब मैंने इसको पहना मैंने बिना जिप के पहन लिया था. मैंने इसमें साइज एस लिया है, मेरा चेस्ट साइज है 34B. तो आप आइडिया लगा सकते हो मेरे साइज के हिसाब से एस साइज कितना बढ़िया फिट आ रहा है. इसके साथ आपको मिलती है ये पैंट जो इलास्टिकेटेड है, विच इज गुड बिकॉज हमें नाड़ा बांधना नहीं आता. हैंड्स अप इन द कमेंट सेक्शन जिनको नाड़ा बांधना नहीं आता, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है यार. सो ये इलास्टिक वाली पैंट्स है, काफी कंफर्टेबली मुझे आ गई थी. मेरी 28 वेस्ट के अराउंड है और इसमें भी 28 लिखा है, एस के नीचे इन्होंने 28 लिखा हुआ है, तो काफी सही मुझे आ गई थी. इसके बॉटम पे भी आपको ये डिजाइन मिल जाएगा जैसे ये गोटा पट्टी का डिजाइन होता है. एंड दुपट्टा भी इसका काफी प्रिटी है, दुपट्टे की जो चौड़ाई है वो भी अच्छी खासी है, लाइक इट्स प्रॉपर चौड़ा दुपट्टा. काफी कुर्ता सेट्स में चौड़े दुपट्टे नहीं आते लेकिन इसका दुपट्टा जो है वो इसका ये काफी चौड़ा है. एंड फ्रंट में और दोनों साइड्स एंड में बेसिकली आपको ये डिजाइन मिल जाता है. सो ये दो गोटा पट्टी की आपको लेयर मिलती है, फिर टैसल्स, और टैसल्स जो है वो मैचिंग है, जो आपका कुर्ता पे डिजाइन जा रहा है ना उसी कुर्ता का आपको ये टैसल मिलते हैं. लव दिस वन, वेरी नाइस, एकदम परफेक्ट समर फ्लोरल वाइब्स दे रहा है. नेक्स्ट कुर्ता देखते ही लिटरली मन कर जाता है मेरा जयपुर उदयपुर जाके ट्रिप करने का, वहाँ जो फोर्ट्स होते हैं वहाँ पे फोटोशूट कराने का, बिकॉज इसकी एक्जैक्टली वही वाइब्स है. इट्स अ वेरी प्रिटी बांधनी प्रिंट का अनारकली कुर्ता. ये खाली एक सिंगल कुर्ता है जिसको आप ड्रेस की तरह पहन सकते हो, मैं तो उसको ड्रेस की तरह ही पहनने वाली हूँ. इसका घेरा इतना अच्छा है ना, गोल घूमते ही जिसका घेरा आएगा ना इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी प्रिटी. अगेन मेरी हाइट के हिसाब से इसकी लेंथ भी परफेक्ट है, आप देख सकते हो इसका घेरा कितना बड़ा है. मैं कैमरे में भी कवर नहीं कर सकती. इसके जो इन्होंने नीचे लेयर दिया है ना इट्स लाइक दिस, लाइक काफी लंबा है ये. यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे यहाँ पे नीचे अलग से ये कपड़े को जोड़ के यहाँ पे ऐसे लेयर दिए हुए हैं. तो ओनली थिंग इसके फ्रंट में ऐसे जोड़ बना हुआ है. मुझे जब ये रिसीव हुआ ना मैंने अपनी मम्मी को दिखाया, मैंने कहा मम्मी इन्होंने उल्टा तो नहीं सील दिया, बट माय मॉम वाज लाइक नहीं बेटा ये डिजाइन ही है. आप देख सकते हो इसमें बाहर की साइड इन्होंने ऐसे यहाँ पे जोड़ दिया हुआ है, जैसे टैस्क का डिजाइन दिया हुआ है, और नीचे फ्रिल फ्रिल का पूरा डिजाइन है. बॉटम पे आपको अगेन भाई गोटा पट्टी मिलती है. काफी जो कुर्ताज होते हैं ना उसमें चिपकाने वाले मिरर वर्क होते हैं वो उतर जाते हैं, काफी बार कट लग जाता है, अनकंफर्टेबल होते हैं. इसमें नहीं है, इसमें वो प्लास्टिक वाला जो मिरर टाइप होता है ना उसका काम दिया हुआ है. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. स्लीव्स भी सी काफी अच्छी है, स्लीव्स पर भी बहुत अच्छा इन्होंने काम दिया हुआ है. फ्रंट में डोरी मिलती है और पीछे डोरी मिलती है, तो मुझे पहले समझ नहीं आया कि एक यहाँ डोरी है या पीछे डोरी है. फिर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाया, ओके साइड में बांधने के लिए है. सो आप दोनों डोरी को दोनों के साइड पे बांध सकते हो. बांधते ही इतनी प्यारी फिट आती है. अगेन मैंने इसमें साइज एस मंगाया है, एकदम परफेक्टली मुझे फिट आ रहा है और बांधने के बाद तो इसकी फिट और अच्छी हो रही है. इसके टैसल्स इतने सुंदर है, ऐसे चंचन चंचन करते रहते हैं बिकॉज में आप ऐसे घुंघरू लगा हुआ है तो आपको ऐसे टैसल मिलते हैं.
मिलते हैं जो बिल्कुल मैचिंग है, ड्रेस के जैसे आपको मैचिंग ऐसे टासल्स मिल जाते हैं, वेरी वेरी प्रिटी। अगर आप राजस्थान साइड के ट्रिप पे जा रहे हो ना, डू गेट दिस। मैंने थोड़ा सा ऑफिस वेयर टाइप का भी कुर्ता सेट किया, बिकॉज काफी लड़कियों को अब ऑफिस जाना होता है और किसी किसी दिन इवेंट्स होते हैं जिसमें एथनिक पहनना होता है, लेकिन आपको बिल्कुल इंडियन ही पहनना। दो आप ऐसे पहन सकते हो होली दिवाली पार्टी पर, बट जिस दिन आपको रेगुलर वेयर में कुछ ऑफिस में पहनना हो, मुझे कुर्ता सेट बहुत सुंदर लगा। मतलब इसको देखते ही एकदम ऑफिस वेयर वाली वाइब्स आ रही है। सो ये क्रीम कलर कुर्ता है फ्रॉम द ब्रांड जनस्या। सो जनस्या जो ब्रांड है ना, मैंने इससे पहले इसका कुर्ता सेट नहीं था, मतलब इट वॉज अ थ्री पीस कॉर्ड का एक सेट था, उसमें एक लाइट क्रीम कलर की जैकेट थी, एक क्रॉप टॉप था, ब्लू कलर का उसमें पैंट्स थी। मैंने आपको बहुत पुराने किसी हॉल में दिखाया था दिवाली के अराउंड, मैं दोबारा लिंक कर दूंगी नीचे, आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो। मैंने लास्ट ईयर ना दिवाली पार्टी में कुर्ता सेट पहना था, ये भी जनस्या ब्रांड का है। मुझे ये इतना अच्छा लगा, मुझे इसका कॉटन का मटेरियल काफी अच्छा लगा, वेरी फाइन एंड नाइस मटेरियल, बिल्कुल वो लोकल क्वालिटी फील नहीं हो रही थी। वॉश करने के बाद भी मुझे इसका प्रिंट काफी सही लगा। सो मैंने दोबारा उसी ब्रांड पे क्लिक किया। मैं आपको एक अशिका ज्ञान देना चाहती हूँ, अमेजोन पर आपको कोई भी ब्रांड का कुछ भी फैशन पसंद आया ना, आप वापस उस प्रोडक्ट पे जाओ, ऊपर ब्लू कलर का उस ब्रांड का एक नेम होता है, वो क्लिक हो सकता है, वो क्लिकेबल लिंक होता है, उस पर क्लिक करो, उनका पूरा कैटलॉग खुल जाता है। तो मैंने ऐसे ही करके मैं जनस्या के स्टोर पे गई जो ये ब्रांड है, और मुझे वहां पे ये कॉटन कुर्ता सेट दिखा। दिस आउट लुक्स लाइक, बहुत प्रिटी इसका प्रिंट है, ऐसे लाइन लाइन करके प्रिंट जा रहा है। क्रीम इसका कलर है, यहाँ पे ब्लैक कलर का ऐसे साइड में पूरा ऐसे डिजाइन दिया हुआ है। सो ये फ्लेयर्ड कुर्ता है, इसमें यहाँ से एक बड़ा बहुत अच्छा फ्लेयर जाता है, ऑलमोस्ट एक ड्रेस की तरह है, लेकिन आप इसको ड्रेस की तरह नहीं पहन सकते, बिकॉज ये मुझे ट्रांजी लगा। एक तो लाइट कलर है, ऊपर से कॉटन का मटेरियल थोड़ा पतला होता है ना, तो ट्रांजी काफी दिखता है, तो मैं इसको एज अ ड्रेस नहीं पहन पाऊंगी। वेरी हैप्पी ये सेट के साथ मुझे ये ब्लैक कलर की कॉटन पैंट्स मिल गई, बिकॉज ये आगे मेरे बहुत सारी चीजों में काम आने वाली है। बिल्कुल वैसी ट्रांजी पतली नहीं है, मतलब आई लाइक द मटेरियल, मतलब हल्का सा है जो कॉटन का होता ही है, बट ये बिल्कुल भी एकदम शियर वाला मटेरियल नहीं है। लव द क्वालिटी, दोनों ही 100% कॉटन है, तो काफी ब्रीदेबल है, एकदम स्ट्रेट इसकी पैंट्स आती है, मेरी लेंथ के हिसाब से एकदम परफेक्ट आ रही है। मॉडल ये भी एकदम परफेक्ट उसी तरीके से स्टाइल किया हुआ, लाइक कानों में झुमका, और ये जो ऐसे पैंट्स या ऐसे व्हाइट हील्स होती है ना, आप ऐसे स्टाइल कर सकते हो। मैंने जो बाय द वे ब्लॉक हील्स पहनी है ना, इन सब के साथ, वो मैंने सरोजी से ली थी, लेकिन सेम आपको अमेजोन पे भी मिल रही है, तो मैं नीचे लिंक कर दूंगी अगर आप इंटरेस्टेड हो। ऐसी ट्रांसपेरेंट ब्लॉक हील्स सबके साथ जाती है और अच्छी भी लगती है। सो इसमें मैंने एस साइज पिक किया है, और इसका एक्चुअल एमआरपी 3000 रुपीज है, मतलब 3000 की चीज मुझे 690 रुपीज में मिल गई, विच इज लाइक अ टू पीस सेट, और इसको मैं डेफिनेटली और भी चीजों के साथ पहन सकती हूँ। तो 690 रुपीज इज नॉट अ बैड डील, यू कैन डेफिनेटली ग्रैब इट। अगेन ये 100% कॉटन का है, इनका साइज चार्ट भी काफी सही है, मेक श्योर अपना साइज चार्ट अच्छे से मैच करो। नीचे आपको जो अमेजोन पे स्क्रॉल करोगे ना, आपको ऐसा एक साइज चार्ट मिलता है, यू कैन सी प्रॉपर आपको एक साइज चार्ट मिलता है, तो इसको पूरा मैच किया करो अपना बस्ट साइज वेस्ट साइज आपको, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। मैंने अपने हिसाब से एस मंगाया, विच इज नाइस एंड ब्रीदेबल। नेक्स्ट एक प्रॉपर कॉटन कुर्ता सेट है, जिसमें आपको कुर्ता पैंट्स और दुपट्टे का सेट मिलता है, लेकिन ये पैसा वसूल है, बिकॉज मैं आपको एक टिप देने वाली हूँ जिससे आप उसको मल्टीपल वेज में स्टाइल कर सकते हो। सबसे पहले कुर्ता देखते हैं, कुर्ता है कुछ इस तरह का, बहुत अच्छी इसकी शाइन है। सो इसका जो कुर्ता है ना, वो प्योर कॉटन नहीं है, इट्स मोर लाइक अ कॉटन ब्लेंड मटेरियल, जिसके अंदर हल्का सा थोड़ा सा पॉलिएस्टर वाली फील डाली होती है, लेकिन ये बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं है, ये आपको पॉलिएस्टर वाली पसीने नहीं देगा, कॉटन ब्लेंड ये मटेरियल है। इसकी शाइन मुझे काफी सही लगी। ऐसा कलर का ऑलिव कलर कुर्ता ना, आप किसी की मेहंदी नाइट में, संगीत नाइट में पहन सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। सो फ्रंट में कुछ इस तरह से यहाँ पे हुक के नाई दी हुई है, 3/4 इसकी स्लीव्स है, यहाँ जो कलर दिया हुआ है वही सेम कलर पैंट्स और दुपट्टे का है। तो कुर्ता हो गया, इसके साथ हमें मिलती है कॉटन की पैंट जो काफी ब्रीदेबल है। पैंट्स और जो दुपट्टा है ना, वो सेम प्रिंट का है और कॉटन मटेरियल का, ये कॉटन ब्लेंड नहीं है, प्योर कॉटन मटेरियल का है, ये कॉटन ब्लेंड मटेरियल का है, ये मुझे काफी सही लगा। आई थिंक मैं तो इसको किसी गंजी टॉप्स या जो स्पेगेटी टॉप्स नहीं होते, जो काफी समर्स में हमारे पास पड़े होते हैं, आप उसके साथ भी इसको टक करके पहन सकते हो। इसका जो दुपट्टा है ना, इट्स मोर लाइक अ स्कार्फ, बिकॉज इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी क्या, मुझे काफी कम लगी। आप अगर ऐसे कंधे पे दुपट्टा डालोगे ना, तो यू कैन सी बहुत छोटा है, लेकिन मैं ऐसे नहीं डालने वाली, मैं इसको ऐसे ही डालूंगी ताकि पता ना चले, बट आप इसको एज अ स्कार्फ भी कैरी कर सकते हो। इसमें भी ऐसे टैसल दिए हुए हैं, जो कुर्ता है ना प्रिंट कलर का, उसी कलर का इन्होंने टैसल दिए हुए हैं। सो इसको भी आप डेफिनेटली स्पेगेटी टॉप्स के साथ टक करके पैंट्स और दुपट्टे को रैप करके पहन सकते हो, काफी सही लगेगा। मैंने इसमें साइज एस पिक किया है, वेरी वेरी कंफर्टेबल, ब्रीदेबल है, बिल्कुल भी टाइट फंस के नहीं आ रहा, एंड प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे ठीक लगा। अभी इसका प्राइस 1300 चल रहा है, आई थिंक जब मैंने लिया था इसको कोई डील चल रही थी, तो मुझे 900 या फिर 1000 समथिंग का मिला था। ऐसे अमेजोन पे ना डील चलती रहती है, तो आप चीजें ना कार्ट में डाल के रखा करो, आप जब कार्ट में डाल के रखोगे ना, अमेजोन आपको अपने आप नोटिफाई कर देता है कि इस चीज का प्राइस रिड्यूस हुआ है, बढ़ा है, तो आपको पता चल जाता है। सो चीज कार्ट में डाल दिया करो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो। एंड विद दिस मैं समर कॉटन
कुर्ता हॉल इज ओवर. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको सबसे अच्छा कौन सा कुर्ता लगा. मैं भी देखती हूँ कौन सा कुर्ता जीता है कमेंट सेक्शन के अंदर. ऑल्सो प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में माई हॉल स्टोर का लिंक दे दूंगी, आपको ये सारे कुर्ताज वहाँ पे दिख जाएंगे और जो अपडेटेड प्राइस चल रहा है. मैं ये ब्लॉक हील्स का लिंक भी दे दूंगी जो मैंने सारे कुर्ता के साथ पहने, काफी वर्सेटाइल है, सबके साथ चल जाती है इंडियन वेस्टर्न. ये मैंने सरोजी नगर से लिख दी लेकिन ये भी आपको अमेजोन पे इजिली अवेलेबल है. ऑब्वियसली सरोजी नगर कंपैरिजन में थोड़ा सा प्राइस ज्यादा होगा लेकिन अगर आप घर बैठे बैठे लेना चाहते हो तो आप ये परचेज कर सकते हो. तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरे इंस्टाग्राम पे गिवअवे भी चल रहा है. प्लस जब मैं इनको पहनूंगी फ्यूचर में स्टाइल करूंगी आपको वो इंस्टाग्राम पे दिखेगा जब मैं OOTD डालती हूँ विद ऑल द डिटेल्स. तो अगर आपको देखना है कि मैं फ्यूचर में इनको कैसे पहनने वाली हूँ प्लीज फॉलो मी देयर एज वेल. और जो गिवअवे चल रहा है उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो. एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.